Hi everyone, first of all I welcome you for watching this video. Okay, and you already know, here I am going to describe about what? I am going to describe about what? Law of conservation of momentum. Okay, और here आप क्या देखोगे? आपको देखोगे, देखो here there is what? There is two objects having mass m1 and m2. Okay. And initial velocity is what? The initial velocity of mass m1 is u1. Okay. And the initial velocity of m2 is what? u2. Okay. And this condition is before collision. Okay. And during collision, you will see that here what? The net external force exerted over 1 due to what? Due to 2. Okay. And here F(2) due to 1. इसका मतलब यही होता है जी कि यहाँ पर देखो F(1) due to 2, मतलब 1 के कारण F(1) पर जो है 2 के कारण फोर्स लगता है कि नहीं, और F(2) due to 1, सॉरी ये है 1 और ये है 2, इट मीन्स दैट F(2) due to 1. ओके, एंड हियर इज व्हाट F(1) due to 2. This object is what? 1 and this object is 2. Okay. And this condition is during collision. Okay. And here is what? Here is M1 and M2. This is the final velocity of M1 and M2. Is what? V1 and V2. Okay. अब देखो, मान लो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ में यही बताया गया है जी, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इट मींस दैट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एक यूनिक टाइम में जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स. ओके, अब देखो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ यू विल गेट दैट पार्ट F(2) ड्यू टू 1. फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर. वो किसके कारण रहा है? 1 के कारण. ओके, अगर 1 के कारण हो रहा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा जी? मोमेंटम 1 का चेंज होगा. ओके, देखो मोमेंटम अगर 1 का चेंज होगा तो M1, ओके, V1, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड M1, U1, ओके, डिवाइडेड बाय T. इज इट क्लियर? अब देखो, अब F(2) ड्यू टू 1 एंड F(1) ड्यू टू 2. ओके, तो F(1) ड्यू टू 2 में क्या होता है जी? यहां पर तो 2 के कारण चेंज हो रहा है ना, तो देखो यहां पर क्या होगा, M2 V2 माइनस M2 U2. ओके, दिस इज डिवाइडेड अपॉन T. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, according to Newton third law, okay, इसमें यही बताया गया है जी, ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि every action has equal and opposite reaction. Okay, तो इसमें आप देखोगे तो F(1) due to 2, okay, and F(2) due to 1. जब इसमें वैल्यू पुट कर, मान लीजिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इज व्हाट? नेगेटिव साइन इज कॉजेस ड्यू टू व्हाट? हैविंग नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, ऑफ फोर्स व्हिच एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1. ओके, देखो 1 पर जो ये क्या है जी, फोर्स का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव के नेगेटिव साइड. ओके, यस और नो? अब देखो मान लो आपका 1 और 2 क्या है, तो नेगेटिव हुआ, और अब आप यहां से न्यू, अगर फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है,
इक्वेशन। अब देखो आप फर्स्ट, अगर आप सेकंड इक्वेशन से लोगे तो एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाई टी, ओके, एफ ऑफ टू ड्यू टू वन, तो एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाई टी, ओके। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट करोगे तो पहले क्या होगा जी, माइनस एम टू वी टू प्लस निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होगा जब आप इसे ब्रैकेट को हटाओगे, तो एम टू यू टू इक्वल टू वन, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, ओके। आफ्टर चेंजिंग दिस साइन यू विल गेट वन, यू विल गेट दैट एम वन यू वन, ओके, प्लस एम टू यू टू। देखो यहां पर क्या है जी, ये जो है निगेटिव निगेटिव की तरह, अगर अपना ये एल एच एस साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो अगर लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट साइड वाला अगर अपना जो है राइट साइड वाला अगर लेफ्ट साइड में आता है तो क्या होगा, अपना साइन का चेंजिंग करेगा, ओके। अगर साइन का चेंजिंग करता है तो ये माइनस क्या होगा, प्लस में होगा, इस जिसके कारण क्या है, यहाँ पर ये प्लस में है, ओके। उसके बाद देखो आप इसमें क्या है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ओके, ये आपका हुआ प्रूफ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, प्रूफ, ओके।